स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबको तो पता चल ही गया होगा GTA 5 के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि अब आप GTA 5 को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये एक लिमिटेड ऑफ टाइम के लिए है। तो आपको 21st के बाद से ये ऑफ़र बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये कोई नॉर्मल GTA 5 नहीं है, ये एक प्रीमियम एडिशन का आपको मिल रहा है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। तो और इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए ये आपको दिया जा रहा है और इसमें आप ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह GTA 5 को परचेस करके अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कोई सा भी ब्राउज़र में आपको एपिक गेम वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एपिक गेम GTA 5, तो डायरेक्ट आपको ये पेज में आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको 18 प्लस के लिए यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा, फिर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, अपनी जीमेल से मैं कहूँगा हो जाइए आप, तो उनसे होने के बाद आपको एक वेरीफिकेशन कोड आ जाएगा तुरंत ही अपने जीमेल पे। तो उस वेरीफिकेशन कोड को आपको फिल करना है अपने एपिक गेम वेबसाइट पर। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुका है मेरा, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और मेरा एक अकाउंट बन जाएगा एपिक गेम वेबसाइट पे। और ये अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इस अकाउंट को आपको फ्यूचर में यूज़ करना होगा इस गेम को डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप अभी भी डाउनलोड कर ही सकते हैं, जब आपका रिक्वायरमेंट हो तब आप कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो नेम है, यूज़र नेम है, वो किसी ने ऑलरेडी टेक ले चुका है। तो मुझे यहाँ पर अपना यूज़र नेम एक चेंज करना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया और फिर यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल सेट हो चुका है। तो अब आगे का स्टेप देख लीजिए और यहाँ पर आप गेट पे क्लिक करते हैं, अब सीधा डाउनलोड करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। यहाँ पर नीचे गेट का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर सीधा गेट पे क्लिक करते हैं। गेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और पेज रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर आपको करना है टू फैक्टर साइन इन। जैसे कि आप टू फैक्टर गूगल में भी देखे होंगे टू फैक्टर वेरीफिकेशन, उसी तरह यहाँ पर भी आपको टू फैक्टर वेरीफिकेशन करना है। बस इसमें कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, मैं आपको सारा स्टेप दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन है आप इसे, तो मैं सबसे लास्ट आप जाएंगे, नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा ईमेल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे में ईमेल ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपको ऊपर में क्लिक कर देना है, फिर एक कोड आएगा आपके पास ईमेल पे, फिर से कोड आएगा, उसे फिर से कॉपी करना है और उसे पेस्ट कर देना है, तो आपका ईमेल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल हो चुका है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, ये पासवर्ड मांगेगा तो आप दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है। बस बैक बटन पे क्लिक कर देंगे फिर आपको फिर से वो वाली पेज ले जाएगा, पहले वाले पेज गेट पे फिर से आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको गेट पे फिर से क्लिक करना होगा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं, अब सीधा डाउनलोड पे आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ वेट लिखा रहा है और यहाँ डायरेक्ट पेज पे आ चुका है परचेज वाले पेज पे। तो आप ये गेम को बेसिकली परचेस कर रहे हैं $0 पे, इसलिए ये फ्री दिखा रहा है। और कोई भी चीज़ परचेस किया हुआ कभी वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ देख सकते हैं $0 लिखा रहा और यू पे में भी मुझे पे करना है $0, तो इक्वल टू फ्री हो गया। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे है कुछ, उसे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ आ चुका है थैंक यू का मैसेज। और इस तरह से हम लोग ने GTA 5 को परचेस कर लिया, एक रिसिप्ट आ जाएगा जिस जो आपने गेम को परचेस किया है। फिर सेम उसी तरह जिस तरह आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ भी परचेस करते हैं तो एक रिसिप्ट आता है, उसी तरह यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट आ चुका है और इसमें सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लर कर दे रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से वहाँ पर उसी वेबसाइट में ले जाके
और अब देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा रहा है। वहाँ पर अब लिखा रहा होगा ओन्ड, इसका मतलब कि मैंने उस गेम को ख़रीद लिया है, मैं अब ओन कर चुका हूँ। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ उसी के नीचे ये भी लिखा है सेल एंड, यानी ये जो सेल हो रहा है ये एंड होगा 5/21/2020। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, 21 तारीख को 5वां महीना 2020 को 8:30 बजे रात शाम। तो दोस्तों जैसे ही आपने इसे परचेज कर लिया उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस आइकन पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, इस गेम स्टोर को डाउनलोड कर पाएंगे। बट दिक्कत ये है दोस्तों कि आप इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको चाहिए PC उसके लिए। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं, आपने इसे परचेज कर लिया और वो ऑटोमेटिकली आपके लाइब्रेरी में जाके सेव हो चुका है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जब आपको डाउनलोड करने का मन हो तो बस आपको सिंपली अपने PC में गेम लॉन्चर ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में लाइब्रेरी में क्लिक करके आपको मिल जाएगा आपका गेम, बस आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लिया है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और कोई सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस सब सारे कमेंट को रीड कर रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।